आज एक दोस्त की कॉल आई, वो कह रहा है कि यार हमारी ना कनक खत्म हो गई है तो हमें थोड़ी सी कनक चाहिए। तो अभी हम आज उसको कनक देने के लिए ऊपर आए हैं, थोड़े में पड़ेंगे फिर उनके घर दे के आएंगे। वो कह रहा है कि जब कनक का सीजन आएगा हम आपको वापस कर देंगे। तो अभी हम दोबारा यहाँ से निकालेंगे। अच्छा जी, हमने इसको रस्सी के साथ बांध लिया। अब हम इसको रखेंगे बाइक के ऊपर और फिर हम इसको ले जाएंगे। अभी हम इसको बाहर निकाल दें। क्या कह रहे हो? तो बेटा नानू को कॉल कर लो, नाना बू कॉल करो, वो आ जाएंगे लेने आप। मैं तो दोस्त के लिए दाने छोड़ने जा रहा था तो मूसा ने बीच में नवा रफड़ पा रहा कि मैं नानो घर जाना। तो जवान साहब हम नानो घर छड़ांगे। तो अभी ये कपड़े चेंज करने लगा है, ये कपड़े चेंज करेगा, फिर कपड़े चेंज करके आता है, फिर बैठा के नानो घर छोड़ेंगे, फिर दोस्त के घर दाने छोड़ेंगे और चले जाएँगे। तो आप ही फिर इसका नाना भी छोड़ने आएंगे, हम तो नहीं छोड़ने आएंगे आपको। आपने किसके साथ आना फिर वह उधर से? नानो के साथ, नाना बू के साथ नहीं आना। कनक थी वो हमने दे दी है अपने दोस्त के घर, लेकिन बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आए हैं। 7 बज रहे हैं तो हमने कल गंदम जो चक्की पर खवा के आए थे वो अभी हम लेने जा रहे हैं। अभी हमने मुंह भी नहीं धोया और मूसा साहब भी साथ जा गए हैं। और सुबह सुबह जो सूरज है ये देखे निकला हुआ है, कितना अच्छा मंजर है। सुबह पुरसकून है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। बस अच्छा जी, अभी हम चक्की पे पहुंच चुके हैं लेकिन चक्की वाला यहाँ पे नहीं है। भाई मेरा व्लॉग है यार, मेरा यूट्यूब चैनल। हम घर पहुंच चुके हैं लेकिन सुबह सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी, हाथ जो हैं वो ठंडे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखिए हमने कवों के लिए यहाँ पे चूरी रखी हुई है, तो ये थोड़ी सी आ रही है, परिंदे आ रहे हैं खाने के लिए। मूसा दरवाज़ा खोले। आटा लाने के बाद मेरा दिल कर रहा है आज मूली वाले पराठे खाने को। तो अभी हम अपने घर के साथ छोटी सी एक खेती है वहाँ पे हमने लगाया हुआ है धनिया, वो उतारने के लिए आया हूँ। अच्छा जी, ये वाली जो मूलियां हैं इनको छीला जा रहा है। और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, हल्की हल्की हवा चल रही है और बादल छाए हुए हैं। तो अभी हमें इनविटेशन आया कहीं से मछली का, फिश पार्टी है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी मैं अपने टाउन से निकला हूँ, ये देखिए टाउन का ये पुल है और साथ ये नहर है। अभी 10 से 15 मिनट वहाँ लगेंगे, अभी तैयार हो गया होना है तो फिर वहाँ जाकर फिश वगैरह खाते हैं। अभी हम पार्टी वाली जगह पे पहुँचे हैं, यहाँ अभी कुछ शुरू नहीं हुआ, बच्चे आए हैं, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। कोलों को आग लग चुकी है और 2 से 3 मिनट लगेंगे जलने में। ये हमारे पास वो चीज़ें हैं जिनका हमने बारबेक्यू करना है। ये फ़िश है और इनको चिड़े कहा जाता है, इनको हमने पहले ही मसाला वगैरह लगा लिया हुआ है। बड़े भाई जो हैं वो बड़े शौक़ के साथ आग जला रहे हैं, तो आग चल चुकी है और उसको हवा दी जा रही ताकि वो जल्दी जल्दी जले और कोले बने और उनके ऊपर फिश लगाई जाए। अच्छा
और मैं आज तो पहना भी गया साथ सारे कारीगर टुर गए थे मैं एल सी डी लान टुर गया ड्रिल लैके उत्थे जाके वेखिया ते भाई पेचेज ते लप गए ते बछला कोई नहीं हरा जिहड़ियां पेच अगे रखनिया किधर आ गए लियाओ कोई शै प्लेटा है सही ने ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਲੈ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਸਾਫ ਹੈ ਲੈ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਪਲਟਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਚਿੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ਤੇ ਚਿੜੇ ਅਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਖਾਣੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੀਆ ਠੀਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਇਹ ਗਲਵਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਵਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਉਰਾਇਆ ਹੋ ਅੰਦਰ ਆ ਲਿਆ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਲਿਆ ਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੇਲ ਪੀਲਾ ਲਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਡਾ ਆ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾੜ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਛੱਡਾ ਮਾਰ ਲੈ ਕੋਈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੜਿਆ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ से जल चुका है लेकिन नहीं नहीं जला नहीं है जला ये नहीं। ऐसे ही हो हाँ, सब ने तस्दीक कर दी जला नहीं है तल्लक नहीं माना अगर ना इसकी स्मेल जो हमारे भूख को बढ़ा रही है जी खुली ओदी लाया अच्छा जी अभी हम दावत से वापस आ चुके हैं और दावत खाने का बड़ा ही मज़ा आया है और जो फिश थी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और जो चिकन था वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। उससे बढ़िया बात ये थी कि मीठी और नमकीन चटनी थी। जो आलू बुखारे की बनी हुई थी वो तो क्या ही बात है, वो तो हमने वो कटोरियाँ भर भर के पी है। और जो दूसरी थी वो उसको अच्छे तरीके से फेंडा नहीं गया हुआ था तो उसमें दही के टुकड़े छोटे छोटे थे, इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन ओवरऑल जो हमारी ये दावत थी बहुत ही अच्छी और फर्स्ट क्लास रही है, बड़ा मज़ा आया। इसी के साथ आज का जो व्लॉग है हम इसको करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने चाहने वालों का ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।